अब हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है वो दो वर्ड से बना है, एक है गैमेट, दूसरा है जेनेसिस। गैमेट जैसे कि हमारे मेल गैमेट हो गया या हमारा फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मेल गैमेट हमारा होता है क्या, स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है हमारा ओवम। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब उसमें मेल गैमेट आएगा या फीमेल गैमेट, इसके लिए भी अगर हम मेल गैमेट की बात करेंगे तो एक अलग टर्म यूज़ होती है, और अगर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें एक अलग अलग टर्म यूज़ होती है। अब देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दो टर्म्स आती है इसमें, एक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब हम मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस, और ओजेनेसिस मतलब ओवम का फॉर्मेशन। तो ये दो टर्म्स है जो गैमेटोजेनेसिस के अंदर आती है। अब हम ये जो हमारे गैमेट हैं, जो मेल गैमेट है हमारा जो कि स्पर्म है, और जो फीमेल गैमेट है वो हमारा ओवम है। अब हम दोनों को स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये रहा हमारा मेल गैमेट स्पर्म। स्पर्म की जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मिडल पीस और टेल। टेल को हम या तो फ्लैजेलम भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा हेड, ये हमारा हो गया मिडल पीस, इसका बीच का हिस्सा, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा टेल, ठीक है। इस टेल को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम, FLAGELM, इसको बोलते हैं फ्लैजेलम, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे इसके पार्ट्स, हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, फिर उसके मिडल पीस में, फिर टेल में। तो सबसे पहले हमारा हेड, हेड में आती है हमारी दो चीज़। हेड जो होता है हमारा कोनिकल, कोनिकल शेप का होता है, कोन कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का शेप होता है इसका, ठीक है। ये हेड का जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला हिस्सा है, इसमें होता है हमारा एक्रोसोम, और जो ये पीछे का ये पूरा हिस्सा है ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो हमारा एक्रोसोम है, और यहाँ सबसे आगे एक्रोसोम के आगे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारा एक्रोसोम है इसमें हमारा एक एंजाइम होता है, टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम, जो क्या करता है जब ये ओवम के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री जो है इसी की हेल्प से कर पाता है, ये एक्रोसोम की हेल्प से। एक्रोसोम में टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं ओवम के जो टिश्यू होते हैं उसको डिसॉल्व करके उसको उसके अंदर एंट्री करते हैं, इसी एंजाइम की वजह से जो इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर होता है। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे होते हैं जीन्स, जो कि क्या करते हैं, जो हेरिडिटरी करेक्टर होते हैं उसको मेल पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और जो दोनों हमारे जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम है, ये दोनों हमारे सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। तो ये हो गया हमारा हेड का पार्ट हो गया। अब हमारा दूसरा है मिडल पीस, ये वाला जो है ये मिडल पीस, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इसमें हमारे ये मिडल पीस के पहले यहाँ पे नेक भी होती है, ठीक है, ये नेक वाला रीज़न है यहाँ पे, ये मिडल पीस। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस डायग्राम में देखो कुछ और चीज़ें जो है क्लियर से दिख रही है, जैसे इसमें मिडल पीस, ये जो मैंने बात करी थी, ये वाला मिड पीस जो है इसमें होता है सेंट्रियॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब जो ये सेंट्रियॉल है, ये इसमें भी दो दो सेंट्रियॉल होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियॉल, एक दूसरा होता है डाइस्टल सेंट्रियॉल, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियॉल होता है वो जो सेल डिवीजन होता है जायगोट के अंदर उसके इनिशिएशन के लिए वो होता है, क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। अगर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियॉल नहीं होगा तो सेल डिवीजन शुरू नहीं होगा, ठीक है, इनिशिएट नहीं होगा।
और जो इसका दूसरा है ये डाइस्टल सेंट्रियल, ये करता है एक्सियल एक्सियल फिलामेंट बनाता है, जो कि ये वाला पार्ट जो है इसकी सेंट्रल रॉड जो होती है ये, इसको बनाता है डाइस्टल सेंट्रियल। जो फ्लैजेलम होता है, जो टेल होती है, उसके बीच की जो इलास्टिक रॉड होती है उसको हमारा ये डाइस्टल सेंट्रियल बनाता है, ठीक है। और इसमें एक हमारी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा ये। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, जो क्या होती है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, मतलब स्पायरली अरेंज जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पायरली अरेंज्ड इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ ये इस तरीके से ये इसके अंदर होता है। और ये करता है, ये जो इसकी टेल होती है, स्पर्म की टेल होती है, इसके मूवमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके मूवमेंट के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, ठीक है। अब हमारा थर्ड है, हमने पढ़ लिया हेड, पढ़ लिया मिड पीस, पढ़ लिया, अब तीसरा है हमारा ये टेल। टेल जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म की बॉडी का, से ये दिख रहा है ये छोटा, ये भी छोटा है, टेल सबसे लंबी होती है। और टेल क्या करती है, इसको मूव कराने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, यूँ इस तरीके से चलता है ये स्पर्म, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया स्पर्म के बारे में, अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा जो स्टेप्स होते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किस तरीके से हमारा वो जर्म सेल से हमारा स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड्स किस तरीके फिर हमारा पूरा स्पर्म बनता है, तो वो देखते हैं एक एक करके।